अच्छा, मायोकार्डाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। मायोकार्डाइटिस, एज द नेम इंडिकेट्स, मायो का मतलब मसल ऑफ द हार्ट, एंड कार्ड सॉरी मायोकार्ड का मतलब मसल ऑफ द हार्ट, एंड आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। सो इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। फिर कितना होता है, कितने लोगों को होता है एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन बेसिकली रेयर होता है और हेल्दी और यंग लोगों में ज़्यादातर होता है। यंग लोग जिनके अंदर सडन डेथ होती है, उसका बेसिक कॉज अक्सर बेशतर मायोकार्डाइटिस होता है। अच्छा, ये मायोकार्डाइटिस होता क्यों है? एक तो ये वायरल इन्फेक्शन कुछ होते हैं जो मायोकार्डाइटिस करते हैं। इवन जो कोविड हो रहा है, ये भी मायोकार्डाइटिस कॉज कर रहा है लोगों में। ऑल्दो अभी इतनी डिटेल हमने इसका इतना डिटेल डेटा ऑन अ लेवल ऑफ यू नो गवर्नमेंट हमने नहीं देखा, लेकिन वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड इज मायोकार्डाइटिस। अदर वायरल कॉजेज, अदर वायरसेस आल्सो कॉज दिस मायोकार्डाइटिस। और इसके अलावा ऑटो इम्यून। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, आवाज आ रही है सही से कि नहीं आ रही? यस सर, क्लियर है आवाज। सो अदर ऑटो इम्यून डिजीजेस जिसमें रेमेटाइड आर्थराइटिस आ जाता है, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस आ जाता है, SLE, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस भी इवेंचुअली कॉज करते हैं कि एंटीबॉडीज खुद ही अपने हार्ट मसल को मारना शुरू कर दें। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स कुछ होते हैं, और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जो मायोकार्डाइटिस कॉज कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि हाउ दिस डिजीज विल गो ऑन, विल द डिजीज गेट बेटर और विल द डिजीज यू नो नॉट गेट बेटर। प्रोग्नोसिस अगर अच्छा हो तो इसका मतलब है कि डिजीज ठीक हो जाएगा, अगर प्रोग्नोसिस बुरा हो तो इसका आम अल्फाज में मतलब है कि डिजीज खराब हो सकता है। सो मायोकार्डाइटिस में ठीक भी हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। अगर खराब हो जाते हैं तो क्या होता है? क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो जाता है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली जब मायोकार्डाइटिस होता है, अक्सर लोगों को एसिम्टोमेटिक होता है, और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है इसमें वो होना शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कई दफा कि रात को आपको उठ के बैठ के सांस लेना पड़ेगा, और आपके दिल की धड़कन आपको महसूस होती है, जिसको हार्ट पैल्पिटेशन कहते हैं। मतलब आपको महसूस होगा कि योर हार्ट इज बीटिंग इन साइड योर चेस्ट, यू कैन फील इट। चेस्ट पेन होगी, स्वेलिंग इन द लेग्स एंड फटीग। जो लेग स्वेलिंग है और जितनी भी बॉडी की स्वेलिंग है और बॉडी फ्लूइड बिल्डअप है, वो सारा उस वक्त होता है जब हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है। सो नॉर्मली इट्स एसिम्टोमेटिक, बट दीज सिम्टम्स कैन कम इन। हाँ जी, सर, आपने प्रोसेस का क्या बताया और बता प्रोग्नोसिस का वर्ड है। एक प्रोग्नोसिस का वर्ड तुम लोग पैथोलॉजी में और आगे फिर मेडिसिन में कई दफा पढ़ोगे। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि हाउ द डिजीज गोज ऑन, क्या ये ठीक होता है, क्या ये खराब होता है, क्या ये वर्सन होता है, क्या नॉर्मली वो डिजीज किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता। कुछ डिजीज होते हैं जिनका प्रोग्नोसिस बहुत सर। अच्छा होता है। जी सर, ये जो वेरिएशंस आती हैं डिजीज में, जिस तरह कोविड की आ रही है, ये भी प्रोग्नोसिस में आएगा? नहीं, वो तो बेटा वायरस की म्यूटेशंस है, वो प्रोग्नोसिस नहीं है। वो वायरस किस किस तरह से म्यूटेट कर सकता है, वो चीज़ है, उसका प्रोग्नोसिस अलग नहीं है। हाँ, हर म्यूटेशन की आगे प्रोग्नोसिस क्या है वो अलग चीज़ है, कि ये वाला जो वायरस का ये वाला जो था पार्ट वो किस तरह की यू नो इफेक्ट डालता है बाद में जाके, और दूसरा पार्ट किस तरह का इफेक्ट डालता है। सो ये सीन होता है। प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि हाउ दैट सर्टेन डिजीज विल गो ऑन, विल इट गेट बेटर और विल इट नॉट। अच्छा, डायग्नोसिस में हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हार्ट की अक्सर चीज़ों के डायग्नोसिस के लिए आपको ECG चाहिए, चेस्ट एक्सरे चाहिए, एक्ो चाहिए, MRI और हार्ट बायोप्सी, जिससे आपको इन्फ्लेमेशन नजर आ सकती है। नॉर्मली कौन सी मेडिसिन ट्रीट करती है मायोकार्डाइटिस को? अक्सर वही मेडिसिन ट्रीट करती है जो हार्ट फेलियर को ट्रीट करती है। हार्ट फेलियर को ट्रीट करने वाली मेडिसिन कौन सी है? फार्मा पढ़ रहे हो ना आप लोग? यस सर, फार्मा वन टू फार्मा भी टू। पढ़ा ओके, डायबिटिक्स पढ़ ली है? है। यस सर, ओके, तो पता चल गया है कि हार्ट फेलियर के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। एस इनहिबिटर्स पढ़े हैं, यस पढ़े हैं, फार्मा बीटा ब्लॉकर्स वन में वगैरह पढ़े। पढ़े हैं? यस सर, अच्छा, तो एक तो ये है। अब चूंकि इसकी ट्रीटमेंट में इस वक्त आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
लो सॉल्ट डाइट आप यूज करते हैं, स्टीरॉयड अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए और बहुत ज्यादा पेन वगैरह हो तो स्टीरॉयड यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर एरिथमिया हो जाए, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल ना रहे, तो फिर उसके लिए और मेडिकेशंस होती हैं जो रिदम को कंट्रोल करती हैं, उसमें पेसमेकर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, और कई दफा इन सीवियर केसेस यू माइट नीड अ डिफिब्रिलेटर. अच्छा, मायोकार्डाइटिस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, अगेन दिस इज अबाउट प्रोग्नोसिस, अक्सर लोग रिकवर कर जाते हैं लेकिन माइनॉरिटी केसेस में इट कैन गो ऑन टू हार्ट फेलियर, एंड फिर आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए, और इसके अलावा कई दफ़ा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तक भी बात चली जाती है. मायोकार्डाइटिस दोबारा हो सकता है एक दफ़ा होने के बाद, रिकर का मतलब होता है दोबारा होता है कि नहीं होता, हो सकता है, और बार बार होने से कई दफ़ा एनलार्ज्ड हार्ट भी हो जाता है, और उसको कार्डियोमायोपैथी कहती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी को भी हम थोड़ी देर में करते हैं. अच्छा, अब आपने मायोकार्डाइटिस को प्रिवेंट कैसे करना है, देर इज नॉट मच दैट यू कैन डू टू प्रिवेंट इट. कोई लाइफ स्टाइल चेंजेस, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ है वो उसके उसके उसको रिकरेंस को या उसके होने को प्रिवेंट नहीं करती जनरली, ठीक है, और ये इनहेरिटेड नहीं होता. आप कोई नोन जीन नहीं है जिससे आप पता कर सकें कि अच्छा इसके अंदर ये जीन है तो इसे मायोकार्डाइटिस होगा, ठीक है. इट इज़ स्पोरैडिक, इट्स नॉट इनहेरिटेड, और इट डज नॉट फॉलो अ नोन पाथ कैसे होगा. दूसरी चीज़ जो आपको थोड़ा सा बताना चाहिए इसके अंदर वो है कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? पैथोलॉजी ऑफ द हार्ट मसल, अ डिजीज ऑफ द हार्ट मसल. हार्ट मसल के साथ क्या होता है कार्डियोमायोपैथी पे, या हार्ट मसल बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, या थिक हो जाएगा, या रिजिड हो जाएगा, ठीक है. तीन मेन टाइप्स की कार्डियोमायोपैथी होती है, उन तीन टाइप्स की कार्डियोमायोपैथी के बारे में हम लोग बात करते हैं. अच्छा, होता क्या है जब हार्ट मसल ख़राब होना शुरू हो जाए? तो आप लोग पूछोगे कि मायोकार्डाइटिस में भी हार्ट मसल ख़राब हो रहा है, कार्डियोमायोपैथी में भी हार्ट मसल ख़राब हो रहा है. बेटा, मायोकार्डाइटिस में जो आइटस है, दिस इज द मेन थिंग, इन्फ्लेमेशन हो रही है हार्ट मसल की. क्या वो कार्डियोमायोपैथी बनती है या नहीं बनती, दैट्स अ डिफरेंट इशू. कई दफ़ा अगर मायोकार्डाइटिस ठीक ना हो तो इट कैन गो ऑन टू कॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो कार्डियोमायोपैथी तक जाए, ठीक है. लेकिन जब कार्डियोमायोपैथी हो जाती है तो किस तरह की होती है, होता उसमें यह है कि हार्ट जब एनलार्ज होता जाएगा और या थिक हो जाएगा या रिजिड हो जाएगा, तो उसकी जो एबिलिटी टू पंप ब्लड है वो कम हो जाएगी, वो सही तरह से पूरी बॉडी में ब्लड पंप नहीं कर सकेगा, ठीक है. जब वो पूरी तरह से सही तरह से बॉडी में ब्लड पंप नहीं कर सकेगा तो फिर हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, या हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है बिकॉज वो मसल सही तरह से, उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो रही होती. सो जब एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है तो उसे ऑब्वियसली एरिथमिया कहते हैं. सो एरिथमिया और हार्ट फेलियर कैन बी अ कंसिक्वेंस ऑफ कार्डियोमायोपैथी, ठीक है. और अगर हार्ट फेलियर हो जाए तो हार्ट फेलियर होने के बाद फिर फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है लंग्स में, एंकल्स में, फीट में, लेग्स में, एब्डोमेन में, डिपेंड करता है राइट साइड का हार्ट फेलियर है या लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है, ठीक है. फिर उसके मुताबिक वहाँ फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा. अगर हार्ट वीकेंड होना शुरू हो रहा है, उसका स्केल्टन जो है वीक होता जा रहा है, तो हार्ट की वाल्व भी जो है वो उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेंगी, तो हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं. सो कार्डियोमायोपैथी होती कितनी टाइप्स की है? मेनली तीन टाइप्स की होती हैं, सामने आपके पांच टाइप्स नज़र आ रही हैं, हाइपरट्रॉफिक, डायलेटेड और रिस्ट्रिक्टिव. इन तीन टाइप्स के बारे में मैं ज़्यादा पूछूंगा, इन तीन टाइप्स को आपको बताना चाहिए. ये एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया और अनक्लासिफाइड कार्डियोमायोपैथी आर ऑल्सो सम ऑफ द रेयरेस्ट कॉजेज, बट जनरली जब कार्डियोमायोपैथी होती है तो ये तीन तरह की होती है. नॉर्मल हार्ट आपको अगर उसकी वॉल नज़र आ रही है या आपको काट के दिखाया हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऐसा है, डायलेटेड में ऑब्वियसली वो डायलेशन हो रही है उसके अंदर, और फिर जो हाइपरट्रॉफिक है उसके अंदर जो है वो मसल की वॉल जो है वो इन्फ्लेम हुई है, थिक हुई, इन्फ्लेम नहीं हुई, इंक्रीज हुई है साइज में, ठीक है. और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि ये जो उसकी मसल वॉल है दैट इज बिकमिंग रिजिड, स्टिफ, ठीक है, फाइब्रोसिस होता है, होना शुरू हो जाता है यहाँ पे. सो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली हार्ट मसल एनलार्ज होता है, थिकन होता है, और जब ये हार्ट मसल थिक होना शुरू हो जाता है तो वेंट्रिकल्स के अंदर नैरोइंग शुरू हो जाएगी, जितनी स्पेस पहले थी उतनी नहीं रहती, ब्लॉकेज होना शुरू होता है, तो फिर हार्ट के लिए ब्लड पंप करना
मुश्किल होता है. तो फिर जब पूरे का पूरा मसल एडगेट हार्ट का थिकन होता जा रहा है तो वो स्टिफनेस कॉज करना शुरू कर देता है और फिर वाल्व में स्पेशली माइट्रल वाल्व में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और फिर वैल्वुलर डिजीज भी कॉज होना शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से. अच्छा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं. ठीक है, ज़्यादातर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है लेकिन फिर राइट वेंट्रिकल में भी चली जाती है. और जब ये डायलेटेड हार्ट जो होता है, जब ये ब्लड पम्प करने की कोशिश करता है, अगेन देयर वर्क लोड इज इंक्रीज, उनको ज़्यादा जोर से पम्प करना पड़ता है लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है कि वो उतनी ज़्यादा जोर से स्ट्रेंथ कर सके, पम्प कर सके, तो वो ब्लड फिर आगे जाता नहीं है. अगेन द सेम थिंग्स कैन हैपन इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो आपको शुरू में बता चुके हैं. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है वो ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं हार्ट के अंदर. ब्लड क्लॉट इसलिए बनते हैं कि जब तक जब ब्लड सही तरह से फ्लो नहीं करता और एक ही जगह पड़ा हुआ है तो जो क्लॉटिंग कैस्केड है वो तो अपना काम शुरू जारी रख रही है, तो वहाँ पे हार्ट के अंदर यू विल स्टार्ट फाइंडिंग क्लॉट्स. ये एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मॉडल है. ये आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एनलार्ज हो चुकी हुई है चैम्बर और एको पे इस तरह से शो हो रहा है, नॉर्मल चैम्बर इतना एनलार्ज हुआ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी उस वक्त होती है जब वेंट्रिकल जो है वो रिजिड और स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और जब वो रिजिड और स्टिफ होते हैं तो वो रिलैक्स नहीं होते. जब वो रिलैक्स नहीं होते तो उनके अंदर ब्लड वॉल्यूम नहीं आता पूरा, ब्लड उनके अंदर पूरा भरता नहीं है. जब वो पूरा भरता नहीं है तो ऑब्वियसली आगे पम्प क्या होगा, ठीक है, और फिर स्लोली स्लोली हार्ट मसल जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है. अगेन हार्ट फेलियर और हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज. जो एरिथमियोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया है ये बहुत रेयर कार्डियोमायोपैथी है और इसमें ये होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है पूरे का पूरा वो फैटी या फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है, उसका उसके मसल की जगह फैटी टिश्यू आ जाता है या फाइब्रस टिश्यू आ जाता है और इसकी वजह से अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में डिस्ट्रप्शन होती है, एरिथमियाज होते हैं. और ये एरिथमियोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया जो है ये यंग एडल्ट्स में और टीन्स में सडन कार्डिक अरेस्ट वगैरह कराता है, एथलीट्स में खास तौर पे जो एकदम से एथलीट्स की डेथ्स होती हैं विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज, वो एरिथमियोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया की वजह से हो रही होती हैं. अनक्लासिफाइड कार्डियोमायोपैथी में और कुछ टाइप्स हैं जिसमें से टाकू सुबो कार्डियोमायोपैथी बड़ी इंपॉर्टेंट है एक तरह से. वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे आप ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं. ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में होता है कि एक्सट्रीम इमोशंस या एक्सट्रीम स्ट्रेस हार्ट मसल फेलियर करवा देता है. ये बहुत रेयर है लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में दिस इज रिकॉर्डेड, होती है उनके अंदर. अच्छा, कॉजेज किस तरह के होते हैं कार्डियोमायोपैथी के? कार्डियोमायोपैथी के कॉजेज एक्वायर्ड हो सकते हैं, यानी कि यू आर बॉर्न विद दोज कॉजेज, या इनहेरिटेड भी हो सकते हैं. मतलब देयर आर जीन्स दैट कैन पास ऑन द डिजीज, मतलब उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो डिजीज कर सके. सो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जनरली इनहेरिटेड होती है. देर आर सम हार्ट मसल प्रोटीन्स जिनकी जीन्स में म्यूटेशन होती हैं जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है. इसके अलावा एक्वायर्ड भी हो सकती है. जो एक्वायर्ड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है दैट कैन बी बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एजिंग इशूज और डिजीजेस, डायबिटीज वगैरह, थायराइड डिजीज, और कई दफ़ा इडियोपैथिक होता है यानी कि कोई कॉज पता नहीं चलता. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ज़्यादातर इनहेरिटेड होती है लेकिन अल्कोहल और मुख्तलिफ टॉक्सिन जो हैं वो ये कॉज कर सकते हैं, पॉइजन्स, हैवी मेटल्स वगैरह. प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स के अंदर भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है और इसके अलावा हार्ट की जितनी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट वेसल जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, थायराइड डिजीज, वायरल हेपेटाइटिस, HIV, इनकी वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है. और ड्रग्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, खास तौर पे अब्यूज़ जो करते हैं, कोकेन, एम्फेटामिन्स वगैरह, और अगेन इन्फेक्शंस इवेंचुअली. ये इन्फेक्शंस कॉज करेंगे वाया द रूट ऑफ, अभी हमने पढ़ा था, मायोकार्डाइटिस. पहले मायोकार्डाइटिस होगा और फिर उसके बाद डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के चांसेस होंगे. रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में या एमाइलाइडोसिस में. एमाइलाइडोसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें बॉडी के अंदर एबनॉर्मल किस्म की प्रोटीन्स जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जमा होती हैं. ब्रेन में भी जमा हो सकती है, हार्ट में भी जमा हो सकती है और किडनी वगैरह में भी जमा हो सकती हैं ये प्रोटीन्स. अच्छा, इसके अलावा एक और डिजीज़ होता है हीमोक्रोमेटोसिस. हीमोक्रोमेटोसिस में बहुत ज़्यादा आयरन बॉडी में आना शुरू हो जाता है. जो एक्स्ट्रा आयरन होता है वो बॉडी को डैमेज करता है और वो जब डैमेज करता है तो वो हार्ट मसल को भी डैमेज करता है, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है. एक और डिजीज़ है, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज,
सार्कोइडोसिस, ठीक है, सार्कोइडोसिस मुख्तलिफ ऑर्गन्स की बॉडी में इन्फ्लेमेशन करवाता है, ठीक है, और इस इन्फ्लेमेशन से एबनॉर्मल छोटे छोटे सेल्स के छोटे छोटे लम्ब्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, और जब हार्ट में जमा होते हैं तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं कराते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज जो है इसका, जब आप कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट करते हैं रेडिएशन की और कीमोथेरेपी वगैरह की वजह से, उसकी वजह से भी जो हार्ट का टिश्यू है वो इस तरह से डैमेज हो जाता है कि वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब स्टिफ होना शुरू हो जाता है और रिजिड होना शुरू हो जाता है, उसको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का कॉज शुमार किया जा सकता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज अक्सर लोगों में आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है कैंसर, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है वो शुरू हो जाती है। जो एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया है वो इनहेरिटेड होता है। अच्छा, कार्डियोमायोपैथी के रिस्क, एट रिस्क कौन है? ये जो रिस्क और कॉजेज हैं ये दोनों काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। कॉजेज तो आप एग्जैक्ट आपको कॉज पता चल जाए, इट हेल्प्स यू इन ट्रीटमेंट, लेकिन जो रिस्क होता है इट हेल्प्स यू इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आप किसी चीज़ के होने से पहले प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोमायोपैथी की, अगेन इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेड कॉज है, हार्ट फेलियर हुआ हुआ है, कभी सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ हुआ है जिससे बाहर आया हुआ इंसान, हार्ट अटैक हुआ हुआ है, कोई ऐसा डिजीज हुआ हुआ है जो हार्ट मसल को इन्फ्लेम कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली अभी पढ़ा था वायरल इन्फेक्शन वाला मायोकार्डाइटिस, और कोई क्रॉनिक इलनेसेस है, डायबिटीज है, सीवियर ओबेसिटी है, और ये जो डिजीजेस के अभी नाम लिए थे हीमोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, मायोकार्डाइटिस, अगेन देयर इज अ स्लाइट बिट ऑफ ओवरलैप। अगर आप कॉजेज को देखो, रिस्क फैक्टर्स को देखो, तो उनके अंदर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके देयर इज एन ओवरलैप। हर कॉज, हर डिजीज जिसका नाम लिया जा रहा है एज अ कॉज, वो जरूरी नहीं है कार्डियोमायोपैथी कराए, करवा सकता है, उसके करवा सकने को आप रिस्क कह रहे हो, लेकिन अगर वो करवा दे तो दैट इज अ कॉज, ठीक है। अगेन दीज ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉजेस। अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? बेटा कार्डियोमायोपैथी अक्सर एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन जब ये खराब होना शुरू हो जाए और हार्ट के मसल वीक होना शुरू हो जाए, फिर आपको साइन सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे हार्ट फेलियर के, ठीक है। और हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ब्रीदिंग ट्रबल्स होती हैं, जब आप फिजिकल एग्जर्शन करते हैं तो फिर मसले हो सकते हैं, और उसके अलावा फटीग होती है और स्वेलिंग नजर आना शुरू हो जाती है एंकल्स में, फीट में, लेग्स, एब्डोमेन, नेक वेन्स में, और इसके अलावा डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर बंदा फेंट हो जाए, और इसके अलावा एरिथमियाज होना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पेन और हार्ट मर्मर्स। मर्मर्स उस वक्त होते हैं जब वाल्व्स हैं वो ख़राब हो जाएं, और उसकी वजह से जब ब्लड उसके अंदर से फ्लो करे तो फिर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं, जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। डायग्नोसिस करना कैसे है? फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इनहेरिटेड कॉज तो नहीं है कोई। फिजिकल एग्जाम करके देखो, यानी कि उसकी स्वेलिंग वगैरह देखो बॉडी में, ठीक है, ब्रेथ पैटर्न देखो, ब्रीदिंग पैटर्न देखो, ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, चेस्ट एक्सरे, ईकेजी, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी एंजियोग्राफी, मायोकार्डियल बायोप्सी। सो मतलब डायग्नोसिस में न सिर्फ आपने इस बीमारी के होने वाले इफेक्ट्स को के थ्रू डायग्नोस करना है, यानी कि हार्ट फेलियर की सिम्टम्स के थ्रू या हार्ट फेलियर के जितनी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनके थ्रू, बल्कि आपने वो टेस्ट्स भी यूज़ करने हैं जो कॉजेज को बता सकें, यानी कि ब्लड टेस्ट वगैरह में जैसे डायबिटीज़ वगैरह का पता चल सकता है, और इस तरह मुख्तलिफ थायराइड इलनेसेस, थायराइड डिजीज़ का पता चल सकता है जो ये कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी वगैरह में आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का पता चल सकता है, या वेसल्स कितनी पेटेंट है या नहीं वो पता चल सकता है, MI हुआ हुआ है कभी कि नहीं वो पता चल सकता है। सो वो सारी की सारी चीज़ें जो है इसकी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ में यूज़ होती हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या है जी बेटा? सर आपने फिजिकल एग्जाम बताया कि इन्फ्लेमेशन चेक करेंगे, तो कहाँ कहाँ पे करते हैं, मतलब फिजिकल एग्जाम में? इन्फ्लेमेशन ही स्वेलिंग चेक करेंगे। इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी टिपिकल टर्म, मतलब हर चीज इन्फ्लेमेशन नहीं होती, इन्फ्लेमेशन का एक पार्ट स्वेलिंग होती है, बट इन्फ्लेमेशन इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। उसके अंदर रेडनेस होती है, आपने जनरल पैथो में पढ़ा ही होगा, वॉम्थ होती है, रेडनेस होती है, और इसके अलावा और भी सारी चीजें होती है। तो स्वेलिंग, ये जो सारी की स्वेलिंग होती है एंकल, फीट, लेग, एब्डोमेन वगैरह में, दीज स्वेलिंग्स अकर बिकॉज ऑफ द हार्ट फेलियर। तो जब कार्डियोमायोपैथी इतनी खराब हो जाए कि वो हार्ट फेलियर कॉज करे, तो आप हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स देखने, व्हिच हेल्प्स। अगर
स्वेलिंग हो तो हम मतलब एक कह सकते हैं कि पेशेंट मतलब हो सकता है कि वो हार्ट डिजीज हो उसको। अगर एंकल स्वेलिंग है तो, और बहुत ज्यादा एंकल स्वेलिंग हो रही है तो डेफिनेटली डेफिनेटली एंकल स्वेलिंग इज अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट साइन जो आपको देखना चाहिए। और जैसे ही आपको किसी बंदे में जरूरत से ज्यादा एंकल स्वेलिंग नजर आए या प्रोलॉन्ग्ड एंकल स्वेलिंग नजर आए तो आपको फौरन सोचना चाहिए कि हार्ट फेलियर वगैरह ना हो उसको। सर मोस्टली जो मोस्ट मतलब ओबेस पर्सन होते हैं उनमें मतलब लेटरल मीडियम मेरिडियस के नीचे मतलब स्वेलिंग होती है। हाँ तो वो ओबेसिटी वाली जो स्वेलिंग होती है वो तो पूरी बॉडी में होगी ना, वो खाली एंकल्स के नीचे जरूरी नहीं है वो। नहीं, मतलब उन पेशेंट में देखा जाता है मतलब उनके मतलब एंकल्स जॉइंट में मतलब लेटरल मीडियम मेरिडियस के नीचे बिल्कुल बहुत ज्यादा एक फैटी सा मटेरियल होता है, वो तो नहीं हार्ट डिजीज का होता। फैटी नहीं होता जो स्वेलिंग होती है, ये फ्लूइड एडिमेटस होती है, एडिमा होता है, पिटिंग फ्लूइड होता है, तो पिटिंग एडिमा वगैरह होता है। दूसरी स्वेलिंग नहीं होती, जो 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 स्वेलिंग हुई होगी अगर फूले हुए बंदे को फैटी टिश्यू के डिपॉजिट से, वो इस तरह की नहीं होगी जो फ्लूइड वाली स्वेलिंग होती है। तो यहाँ पे फ्लूइड वाली स्वेलिंग होती है। यस थैंक यू सर। ओके, लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह, हार्ट हेल्दी डाइट जिससे आप अपने हार्ट अटैक वगैरह को बचा सको, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि हार्ट फेलियर वगैरह में यूज होती है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह जिससे कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी है, इस तरह की चीज़ें, फिर इवेंचुअली अगर आपकी अरिथमियाज हो रही हैं तो इम्प्लांटेड डिवाइसेस, पेसमेकर वगैरह लगाने पड़ते हैं, और फिर अगर वैल्वुलर डिजीज बहुत बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर रहे हैं तो सर्जरी वगैरह भी चाहिए हो सकती है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो सारे कॉजेज जो आप प्रिवेंट करवा सकते हो करवाओ। अल्कोहल ना यूज़ करो, इलीगल ड्रग्स ना यूज़ करो, कोकेन चोकेन ना लो, अपना डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफाई इस तरह से करो कि यू गेट एडिक्वेट स्लीप एंड यू गेट एडिक्वेट रेस्ट, हार्ट हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, एंड देन इवेंचुअली स्ट्रेस को मैनेज करो, बिकॉज ये कौन सी मायोपैथी करेगा, टाको सुबह मायोपैथी कर सकता है। ओके, अच्छा इस पार्ट में अभी तक हमारा एक पार्ट हो गया, तकरीबन देयर आर अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ दिस लेक्चर। तो सेकंड पार्ट में जब हम जाते हैं तो देयर आर डिजीजेस दैट अफेक्ट द कार्डियक नर्वस सिस्टम, सो स्ट्रेस, एरिथमिया, स्ट्रोक, एपिलेप्सी और इमोशंस जो है वो कार्डियक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कौन से नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ऑब्वियसली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक होता है सिस्टम। जब स्ट्रेस आता है, कोई भी क्रॉनिक स्ट्रेस, वो इवेंचुअली आपका हार्ट रेट तेज़ करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा एंग्जाइटी में आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है जो सिंपैथेटिक टोन है वो इंक्रीज़ हो रही है। सिंपैथेटिक ऑब्वियसली जो पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, दैट इंक्रीज़ द हार्ट रेट, और फिर उसके अलावा जब सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो रही है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और इट गोज इन फेवर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब एक्टिवेशन हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो फिर और बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, और फिर एरिथमियाज के कॉज चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेस जो है वो इवेंचुअली इम्पैक्ट इस तरह से करता है कि आपके हार्ट के ऊपर मुख्तलिफ मसले हो सकते हैं। एरिथमियाज में जिन लोगों का हार्ट रेट, हार्ट ख़राब हो जाए एक दफ़ा, डिजीज़ हो जाए किसी भी वजह से, अभी जैसे हमने अभी पढ़ा था कार्डियोमायोपैथी में एक दफ़ा हार्ट ख़राब हो गया है तो फिर देर आर चांसेस कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सही तरह से ना हो। आपको अगर वो पूरा याद हो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे जो एसए नोड से शुरू होता है, इंटरनोडल ट्रैक्स में जाता है, फिर एवी नोड में जाता है, थोड़ी सी डिले होता है एवी नोड में, फिर आगे बंडल ऑफ एस आता है, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज आती हैं, फिर प्रकेंजी फाइबर्स में जाता है, तो उस सारे प्रोसेस को नॉर्मली चलने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर बीच में कोई मसल डैमेज ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली या मसल डैमेज ना हो या हार्ट का कोई भी और डैमेज ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पे उस पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं डैमेज आ जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो
खराब होना शुरू हो जाएगी, जब वो कंडक्शन खराब हो जाएगी तो फिर एरिथमियाज हो जाएंगे, और एरिथमियाज में फिर इवेंचुअली कुछ ऐसे एरिथमियाज होते हैं जो सडन कार्डिक डेथ भी कर सकते हैं. स्ट्रोक, स्ट्रोक के थ्रू भी न्यूरोकार्डिक एक्सिस पे, न्यूरोकार्डिक एक्सिस पे इम्पैक्ट होता है. न्यूरोकार्डिक एक्सिस को अगर आम अल्फाज में आप समझ दें तो न्यूरोकार्डिक एक्सिस का मतलब है कार्डियल हार्ट का जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो ऑटोनॉमिक पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा है. तो स्ट्रोक बेसिकली जब मिसाल के तौर पे अगर ब्रेन के उस पार्ट में जाके इम्पैक्ट करता है जहाँ पे जो जौन सा पार्ट हार्ट की बीट को कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमिक मेडलरी एक्सेस जौन सा होता है जो मिड ब्रेन में होता है, वहाँ पे जाके अगर स्ट्रोक की वजह से इम्पैक्ट हो तो पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, और पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम हार्ट के जो बीटिंग है उसको स्लो करता है, तो उसकी वजह से एसिस्टली वगैरह हो सकती है. अक्सर लोगों को स्ट्रोक के बाद, अक्सर नहीं रेयर है वैसे, स्ट्रोक के बाद अक्सर लोगों को सडन कार्डिक डेथ हो सकती है विद एसिस्टली. ठीक है, तो उनको हम ऐसी मेडिकेशन देते हैं जो उनका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ज़रा थोड़ा तेज़ करें और उनकी हार्ट बीट जो है वो थोड़ी वापस तेज़ हो. तो स्ट्रोक फेवर्स द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम मोर एंड डिस्टर्ब्स द न्यूरोकार्डिक एक्सेस, व्हाइल एज यू नो स्ट्रेस और इमोशंस, अनमैनेज्ड इमोशंस इवेंचुअली अफेक्ट द सिंपथेटिक पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम मोर, और इस तरह से फिर इम्पैक्ट डालते हैं. अच्छा, अब रह गया एपिलेप्सी. एपिलेप्सी की वजह से एज सच सडन कार्डिक डेथ वगैरह नहीं हो सकती, लेकिन एपिलेप्सी की वजह से ऐसा हो सकता है कि ब्रेन के, एपिलेप्सी इज इरेगुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द ब्रेन, राइट? सो जब ब्रेन इरेगुलरली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उसको हो रही है तो ऐसा पार्ट उसका स्टिमुलेट हो सकता है जो फिर इवेंचुअली हार्ट की कंडक्शन को भी इरेगुलर कर दे, तो एरिथमिया कर सकता है. सो एपिलेप्सी के अंदर एक हाइपोथेसिस है कि अगर एपिलेप्सी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को खराब कर रहा है और वो पार्ट आपका हार्ट को भी कंट्रोल कर रहा था या इम्पैक्ट कर रहा था, तो इवेंचुअली उसकी वजह से एरिथमिया हो सकता है. ठीक है, सो एपिलेप्सी भी इवेंचुअली कॉज कर सकती है. इमोशंस, अगेन दिस इज हाउ द स्ट्रेस वाला पार्ट ही है ये तकरीबन, और इमोशंस और स्ट्रेस को आप एक ही उसमें पढ़ लीजिएगा. दिस इज द सेम थिंग. इफ यू टेल मी, इफ आई आस्क यू अबाउट स्ट्रेस एंड इमोशंस, तो ये दिस इज द सेम पार्ट. इसमें यहाँ पे मिस्ट्री लिखा हुआ है, इट्स नॉट जस्ट मिस्ट्री. इफ यू मैनेज द स्ट्रेस वेल, देन ऑब्वियसली इमोशंस आर मैनेज वेल, एंड देन यू आर सेफ फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस. अच्छा, करना क्या होता है आपने, अगेन वही सारे हार्ट की आपकी जो है ड्रग्स एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट मॉडिफिकेशंस, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट्स वगैरह वगैरह. अच्छा, अब इसके बाद आप देखो कार्डिक वाल्व्स को कौन सी डिजीज इफेक्ट करती हैं, कौन कौन से बड़े बड़े वैल्वुलर डिजीजेज हैं. वैल्वुलर दो मेन चीज़ें होती हैं वाल्व में, या वाल्व तंग हो जाएगा तो उसे स्टीनोसिस कहेंगे, या वाल्व रिलैक्स रहेगा पूरी तरह से बंद नहीं होगा तो उसे रिगर्जिटेशन कहेंगे. सो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स या बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व डिजीज, जो कि इट कुड बी ईदर स्टीनोसिस, वो सारे का सारा कार्डिक वैल्वर डिजीज के अंदर आता है. अब लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स. अगेन हार्ट की जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ओवरलैप करते हैं. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती ही होती है, जब दिल सही से नहीं धड़क रहा तो सांस फूलेगा ही फूलेगा. हार्ट पैल्पिटेशंस होंगी, फटीग होगी, चेस्ट पेन, डिजीनेस, फेंटिंग, हेडेक, कफ, वाटर रिटेंशन या फ्लूड रिटेंशन, अगेन स्वेलिंग वाली चीज़ें, एंड पल्मोनरी एडिमा व्हिच इज एक्सेस फ्लूइड इन लंग्स. वो सारे की सारी वही चीज़ें जो बाकी हार्ट फेलियर में होती हैं. हार्ट वाल्व होता कि हार्ट वाल्व के डिसऑर्डर्स होते किन वजह से हैं? ओके बेटा, ऐड कर लेता हूँ. हार्ट वाल्व डिसऑर्डर्स होते किन वजह से हैं? या तो बर्थ डिफेक्ट हो किसी वजह से, वाल्व के पैदाइशी मसला, कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट टिश्यू,
रूमेटिक फीवर अगेन इन्फ्लेमेटरी इलनेस जो कि एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की बात होती है. एज रिलेटेड चेंजेस, कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, वो जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है वैल्व्स में, उसकी वजह से भी वैल्व्स जो है वो थिक हो जाते हैं या तंग हो जाते हैं. हार्ट अटैक की वजह से वैल्व के ऊपर इम्पैक्ट हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो, अगेन कार्डियोमायोपैथी अभी जैसे हमने किया था, ये सारे के सारे डिजीजेज जो हैं हार्ट वैल्व्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा एक और होता था पुराने ज़माने में, खैर अब तो सिफिलिस इज़ वेल मैनेज्ड, बट जब सिफिलिस वॉज नॉट वेल मैनेज्ड वो भी हार्ट वैल्व डिजीज करती थी. फिर हाइपरटेंशन अगर बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर यानी कि ज़्यादा है, तो वो भी हार्ट वैल्व के ऊपर इस तरह से प्रेशर डालता है कि वो सही तरह से काम करना बंद कर सकते हैं. एनोरिज्म कोई हो, एनोरिज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल डायलेशन या स्वेलिंग. नॉर्मली आर्टरीज में वो एक सर्टन उनका डायमीटर होता है, एक सर्टन उनकी ल्यूमेन डायमीटर होता है, लेकिन अगर वो फूल जाए कहीं पे तो उसको एनोरिज्म कहते हैं. सो एओर्टिक एनोरिज्म की वजह से भी हार्ट वैल्व डिसऑर्डर हो सकते हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस अगेन व्हिच इज द डिपोजिशन ऑफ यू नो कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स इन द आर्टरी वॉल्स. और इसके अलावा मिक्सोमेटस डिजनरेशन व्हिच इज ड्यू टू थायराइड इलनेस. फिर इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आ जाता है ल्यूपस वगैरह, ये सारे के सारे हार्ट वाल्व को, हार्ट वाल्व के को ख़राब कर सकते हैं और उनकी एबिलिटी टू रेगुलेट द ब्लड फ्लो डैमेज हो जाती है. डायग्नोसिस कैसे होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगेन ईसीजी, एको, कार्डिक कैथेटराइजेशन, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई एंड स्ट्रेस टेस्ट, ये सारे के सारे जो डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ हैं आप देखोगे किसी भी एक सिस्टम की अक्सर ओवरलैप करती हैं. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम हार्ट की बीमारियां पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी हार्ट की बीमारियों में ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज आपकी चलेंगी, बिकॉज ओवरलैप है. इफ यू सी वन इलनेस कॉजेज अनदर इलनेस एंड देन दैट अनदर इलनेस कैन कॉज अनदर इलनेस, और वो सारी की सारी हार्ट की इलनेसेस ही हैं. ठीक है, सो ये सारे के सारे चाहिए होते हैं. अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस विल हेल्प, एंड देन इफ दैट डोंट हेल्प, दीज थिंग्स डोंट हेल्प, देन यू हैव टू गो फॉर वैल्वुलोप्लास्टी, मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करनी पड़ सकती है. इसके अलावा हार्ट की जो कवरिंग है पेरिकार्डियम, उसको कौन से डिजीज अफेक्ट करते हैं? उसमें एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है विच इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियम के अंदर अगर ब्लड सॉरी फ्लूइड जमा हो जाए, और पेरिकार्डियल कंस्ट्रक्शन, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिकार्डाइटिस. एंड कार्डिक टेम्पोनेट, कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. सो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, और इसके अंदर इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम. क्लिनिकल सिंड्रोम का मतलब आप इसको ज़्यादातर बगैर ज़्यादा टेस्ट की आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं. उसमें आपको चेस्ट पेन होगी, अगर आप उसको वहाँ पे ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको फ्रिक्शन रब महसूस होगी, और ECG के अंदर स्पेसिफिक चेंजेस होती हैं जो आपको बता देती हैं कि ये पेरिकार्डाइटिस हो रहा है. और कभी कभार पेरिकार्डाइटिस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पता है स्वेलिंग होती है, तो साथ में एडिमा भी होता है, वहाँ पे फ्लूइड भी जमा होता है, तो फ्लूइड जमा होता है तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगी. और इनमें से दो या तीन चीज़ें चाहिए होती हैं. अगर आपको चेस्ट पेन नज़र आ रही है, फ्रिक्शन रब नज़र आ रहा है और इफ्यूजन मिल रही है वहाँ पे, तो इसका मतलब आप पेरिकार्डाइटिस डायग्नोज कर सकते हैं. या चेस्ट पेन है, फ्रिक्शन रब है और ECG चेंजेस हैं स्पेसिफिक, तो आसानी से आप कह सकते हैं कि इसको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है. क्या कॉजेज हो सकते हैं? इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब कोई पता नहीं कॉज, इन्फेक्शन, रीनल फेलियर, MI, पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम जिसकी वजह से इन्फ्लेम हो गया कार्डिक मसल के ऊपर लेयर जो थी सीरियस मेम्ब्रेन, कोई मेलिग्नेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ट्यूमर था, कैंसर हुआ, रेडिएशन एंड ट्रॉमा, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉजेज. रेडिएशन अगेन कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट में जो रेडियोथेरेपी वगैरह यूज होती है उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है. ठीक है, पेरिकार्डाइटिस अगेन मिलता जुलता नाम है मायोकार्डाइटिस से. मायोकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट. पेरिकार्डाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कवरिंग ऑफ द हार्ट विच इज पेरिकार्डियम, राइट, सीरियस मेम्ब्रेन जो होती है. साइन सिम्टम क्या होते हैं? शार्प रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, पेन होती है स्टर्नम के नीचे लेकिन पीछे तक जा रही होती है, बैक तक, शोल्डर्स, नेक और बैक, ज्यादातर बैक की पेन होती है स्पेसिफिक इसके अंदर. और अगर आप पोजीशन चेंज करें तो पेन वर्सन हो सकती है. मिसाल के तौर पे अगर आप लेटे हुए हैं सुपाइन पोजीशन में, सीधे लेटे हुए हैं, या सांस लंबा ले रहे हैं गहरा अंदर की तरफ इंस्पिरेशन में, तो फिर पेन ज़्यादा होगी. और जब आप सीधे खड़े हो रहे हैं या आगे की तरफ जा रहे हैं तो पेन नहीं होगी. तो ये क्लासिक एक सिम्टम होता है इसका, पेरिकार्डाइटिस का.
और इसके अलावा फ्रिक्शन रब, मतलब जब हार्ट बीट करता है तो जो उसके ऊपर की लेयर है उसके साथ जब वो फ्रिक्शन करता है तो आवाज़ पैदा होती है उस इन्फ्लेम्ड लेयर की, वो सख्त हो गई हुई है ना उसकी कवरिंग, तो जब आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे तो आपको वो आवाज़ महसूस होगी, स्क्रैची सी और हाई पिच्ड आवाज़, दैट इज़ फ्रिक्शन रब। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करना है, हिस्ट्री पूछनी है, हिस्ट्री में आपको ये सारी की सारी बीमारियों वगैरह का पता चल सकता है जो आपको कान खड़े कर देने चाहिए उसको कि यार ये इसको लग रहा है कि पेरिकार्डाइटिस है। फिर फिजिकल एग्जाम अगेन, साइन सिम्टम्स, फिर ECG और वो सारे के सारे टेस्ट आ गए, एक्ो, MRI, चेस्ट एक्सरे, CT एंड ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट विल हेल्प यू विद नोइंग कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, NSAIDs वगैरह ड्रग्स दी जाती हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं और पेरिकार्डियेक्टमी सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसकी, which is needed in rare cases. pleural effusion basically khud ek tarah se symptom hai, it's not an illness per se, ye illness nahi hai, ye ek sign hai. kya hota hai ye, basically pericardial fluid jo hai wo zyada ho gaya hai. normal pericardial fluid hota hai heart ko frictionless beating mein help karta hai, lekin kabhi kabhi ye zyada ho jata hai. kis wajah se zyada ho sakta hai, thyroid ki illnesses hai, hypothyroidism bahut zyada ho jata hai uski wajah se ho sakta hai, kidney failure, किडनी जो है वो आपकी बॉडी से सही तरह से फ्लूइड बाहर निकाल नहीं पा रही तो फिर उसने कहीं ना कहीं जाके जमा होना है. वन ऑफ द प्लेसेस दैट कैन एक्यूमुलेट इन इज पेरिकार्डियल कैविटी, और एक्यूट MI हो गया तो उसकी वजह से भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकती है कभी कभी. नॉर्मली जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो तकरीबन 50 ml तक होता है, लेकिन जैसे जैसे इलनेस ज़्यादा होती जाए तो 80 to 200 ml और 2 liter तक भी जा सकता है अगर क्रॉनिक कोई इलनेस बहुत देर से चल रही है. नॉर्मली एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन एक और बीमारी है जो कि कार्डिक टेम्पोरेंट है, जिसको जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उसके अंदर ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन होती है. और इसके अलावा क्या सिम्टम्स कॉज हो सकते हैं, मतलब इससे आपको और क्या क्या साथ मिलता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन के, जब आपको जब फ्लूइड ज़्यादा होता जा रहा है तो इर्द गिर्द के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, इर्गिर्द लंग है, स्टमक है, फ्रेनिक नर्व है, तो उसकी वजह से उसकी कंप्रेशन से क्या कुछ हो सकता है, चेस्ट प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, पेन होगी, डिस्निया होगा, सांस लेने में मसला होगा, वो इतना फूल रहा है कि लंग के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, नॉजिया होगा, एब्डोमिन ऐसे लगेगा पेट भरा हुआ है क्योंकि स्टमक के ऊपर वो प्रेशर डाल रहा है फूलने की वजह से, और डिस्फेजिया होना शुरू हो जाएगा अगर इसोफेगस पे प्रेशर डाल रहा है, और फ्रेनिक नर्व अगर इरिटेट हो रही है तो फिर हिकअप्स लग सकती हैं, हिचकियाँ आपको शुरू हो सकती हैं, और हार्ट साउंड्स मफल हो सकते हैं. इसके अलावा एक और साइन है, इसके बारे में भी हम नहीं जाएंगे डिटेल में, इसको फिलहाल छोड़ दो. डायग्नोसिस वही सारी चीज़ें, एको, ECG, चेस्ट एक्सरे, MRI, CT, लैब टेस्ट और पेरिकार्डियल फ्लूइड का एनालिसिस. पेरिकार्डियल फ्लूइड का एनालिसिस कैसे होगा, आप एक सिरिंज डाल के पेरिकार्डियम में उसको निकालेंगे और उसको फिर लैब में भेजेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है. तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन की जो कंपोजिशन होती है उसकी बेस पे आप बता सकते हैं कि किस तरह की डिजीज़ है, किस तरह का कॉज है. ठीक है, वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हर डिजीज़ में मुख्तलिफ तरह की उसकी कंपोजिशन होती है. सो ट्रीटमेंट इज़ पेरिकार्डियोसेंटेसिस. सेंटेसिस कहते हैं कि जहाँ पे जमा हो गया फ्लूइड आप उसको सिरिंज के थ्रू निकाल के फेंक रहे हो. सो उससे वो एक तरह से ये डायग्नोस्टिक मोडालिटी भी होती है और ये थोड़ा सा थेरेप्यूटिक मोडालिटी भी होती है और इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट. अच्छा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कार्डिक टेम्पोरेट. जब फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस में, यानी कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन नहीं हो रही है समझो, तो वो प्रेशर इंक्रीज करता है और कार्डिक जो हार्ट है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि जब आपका हार्ट सही तरह से रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो वो ब्लड पंप नहीं करेगा सही तरह से. जब वो ब्लड पंप नहीं करेगा तो फिर ब्लड प्रेशर वगैरह में चेंजेस आएंगी. सो एलिवेटेड इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर. अच्छा, कार्डिक टेम्पोरेट होता क्यों है बेटा? होता है इसलिए कि अगर आप पेरिकार्डियम देखो ना, पेरिकार्डियम इज बेसिकली अ सीरस मेम्ब्रेन. जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, एज यू वुड नो, सीरस मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं. ये आपका एनाटॉमी का बचपन का नॉलेज, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का नॉलेज है.
और जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसकी दो लेयर्स होती हैं, और उसके अलावा पेरिकार्डियम में एक और मेम्ब्रेन होती है उन दो लेयर्स के बाद, विच इज फाइब्रस लेयर। ये जो दो लेयर्स होती हैं, ये दो लेयर्स थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। जो ये वाली लेयर है बाहर वाली, द फाइब्रस लेयर, दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल। जब ये फाइब्रस लेयर जब फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो जब वहां पे फ्लूइड जमा होना शुरू होता है, तो वापस वो हार्ट को कंप्रेस करता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाता है। जब हार्ट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाएगा, तो वेंट्रिकल जो है वो फिल नहीं हो सकेंगे पूरी तरह से, तो डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो लिमिट हो जाती है, और इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डिक आउटपुट जब कम होगा, तो इवेंचुअली ब्लड प्रेशर भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। सो अगेन वही सिम्टम्स होते हैं इसके, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट वाले, जिसमें डिस्निया, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, ड्राउजीनेस, एनोरेक्सिया वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर टेम्पोरेट एक्यूट MI, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हो, मतलब वॉल ही रप्चर हो जाए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से वॉल जो है मसल इतना डैमेज होता है, इतना डैमेज हो जाता है कि वो टूट जाता है मसल, और वो फिर सारा अंदर से ब्लड निकलता है, और फिर उसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो वो कार्डियो सॉरी कार्डिक टेम्पोरेट कॉज कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली एक साइन सिम्टम्स में एक स्पेशल तीन सिम्टम्स का एक ट्रायड है, विच इज नोन एज बेक्स ट्रायड। उसके अंदर हाइपोटेंशन होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, अगर आप जुगुलर वेन देखें नेक की, तो वो फूली हुई होगी, और हार्ट साउंड्स मफल हो जाएंगी। हार्ट साउंड्स कम क्यों हो जाएंगी? क्योंकि आप जब स्टेथोस्कोप रखोगे, तो उसके ऊपर पहले तो इतना फ्लूइड नहीं था, जब इतना फ्लूइड आपका उसके ऊपर आ गया, तो हार्ट बीट इतना उस तरह से महसूस नहीं होगा बीट होते हुए जैसे पहले महसूस हो रहा था, क्योंकि उस वक्त फ्लूइड नहीं था उसके अंदर। फिर इसके अलावा हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, विच इज़ नोन एज पल्सिस पैराडॉक्सिस। इसमें ये होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ रहा है, और वो सही तरह से फिल नहीं हो रहा, और वो कंप्रेस हो रहा है, तो जब आप ब्लड प्रेशर चेक करो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10, उसके जो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसका जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं हर दफ़ा जब आप सांस अंदर लेते हैं। सो अगर आप ब्लड प्रेशर ऐसे इंसान का ले रहे होगे, और उसे कहोगे कि आप सांस अंदर लें, इंस्पिरेट करें, तो आपको इंस्पिरेशन में उसका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट्स ऑफ मर्करी कम मिलेगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक साइन। सबसे अच्छा साइन और सिम्टम कार्डिक टेम्पोनेट को डायग्नोज करते हुए जो हेल्प करेगा, दैट इज बेक्स ट्रायड। सो इसको अच्छी तरह से समझ लो, या टैकीकार्डिया वगैरह समझ लो। पल्सिस पैराडॉक्सिस इसलिए स्पेसिफिक नहीं है, या इसलिए अच्छा नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारियों में होता है। ठीक है, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या होती है पल्सिस पैराडॉक्सिस, लेकिन ये बाकी बीमारी में भी होती है। सो इसलिए इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर दिस इलनेस। ठीक है, कार्डिक टेम्पोरेट वगैरह के लिए समझ आ गई। कार्डिक टेम्पोरेट में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कि फाइब्रस पेरिकार्डियल लेयर की वजह से फ्लूड जो है वो अंदर जमा होना शुरू हो रहा है, और वो फिर हार्ड, चूंकि वो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, तो वो फिर वापस प्रेशर डालना शुरू कर देती है हार्ट पे, जिसकी वजह से बैक स्ट्राइड वगैरह हो सकता है, और टैकीकार्डिया वगैरह हो सकता है। कॉजेज और भी हैं इसके जो आपको बताने चाहिए। डायग्नोसिस में अगेन एको करके देख लो, ECG करके देख लो। जब आप टेस्ट करते हैं ना, लैब टेस्ट जब आप करते हैं, तो कुछ टेस्ट जो होते हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और कुछ टेस्ट जो होते हैं वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। सो एको जैसे मिसाल के तौर पे इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। ट्रीटमेंट में आपने पेरिकार्डियोसिंथेसिस करना है, और आपने उसको मेडिकेशन देनी है मुख्तलिफ। पेरिकार्डियल कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, तो पेरिकार्डाइटिस जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसकी वजह से वो स्कारिंग शुरू हो जाती है इवेंचुअली, जब इन्फ्लेमेशन ठीक होती है। जब स्कारिंग होती है, तो इलास्टिसिटी ऑब्वियसली पेरिकार्डियम की खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगी, तो फिर वेंट्रिकुलर फिलिंग पे इम्पैक्ट होगा। जब वेंट्रिकली फिल नहीं होगा, तो फिर बाहर क्या निकलेगा ब्लड, सो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। अगेन इट्स कॉज इज नॉट नोन, एंड इसके ट्रीटमेंट जो है वो कार्डिक सर्जरी है। इतना इसकी डिटेल में
पैथोफिजियोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। जहां तक साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है, उसमें टायर्डनेस, फटीग और एक्सरसाइज इंसान ज्यादा नहीं कर सकेगा। टोटल कितनी स्लाइड्स हैं बेटा? इतनी कि आपका घंटा पूरा हो जाएगा। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टिव पैराकार्डाइटिस के बढ़ती चली जाए, मतलब वर्सन होती जाए, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि वीनस रिटर्न पे इम्पैक्ट होगा, मतलब वो फ्लूइड जिसने हार्ट में जाना था वो बाहर जमा होना शुरू हो जाएगा। पेरिफेरल एडिमा होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एसआईटीज, फ्लूइड पेट में जमा हो रहा है, बाकी आपकी एंकल वगैरह स्वोलन होना शुरू हो जाती है, नॉजिया फील होता है, और फिर इवेंचुअली लेफ्ट साइडेड फेलियर भी होना शुरू हो जाता है, जिसमें आपको ऑर्थोपनिया, मतलब आप सांस उस वक्त नहीं ले सकते जब आप सीधे ना बैठे हो, नॉक्चर्नल डिस्निया, रात को आपको मसले होते हैं सांस लेने में, एग्जर्शनल डिस्निया वगैरह होना शुरू हो जाता है इवेंचुअली। तो मतलब दोनों साइड का हार्ट फेलियर इवेंचुअली होना शुरू हो जाता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से। मतलब हार्ट नहीं दबराना, मतलब हार्ट जो है वो इवेंचुअली फिल नहीं हो रहा, कार्डिक आउटपुट सही नहीं हो रहा, तो हार्ट फेलियर में भी तो यही हो रहा था ना इवेंचुअली, कि हार्ट अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रहा, कार्डियोमायोपैथी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियाँ, कार्डियोमायोपैथी हो गया, मायोकार्डाइटिस कार्डियोमायोपैथी कर सकता है, कार्डियोमायोपैथी आगे जाके वैल्वुलर डिजीज कर सकती है, वैल्वुलर डिजीज आगे जाके हार्ट फेलियर कर सकते हैं, मतलब इवेंचुअली ये सारी की सारी बीमारियाँ हार्ट फेलियर कॉज कर सकती हैं, ठीक है। और हार्ट फेलियर का एक लफ्ज में मतलब ये है कि हार्ट जो है वो सही तरह से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है। और क्या साइन सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं पेरिकार्डाइटिस में? जुगलर वेनस डिस्टेंशन एक स्मॉल साइन होता है, दिस इज अ साइन इन विच जुगलर वेनस प्रेशर इंस्पिरेशन में इंक्रीज होगा, ठीक है, और आपको नजर आएगा जुगलर वेन इंक्रीज होती हुई, और अगेन हार्ट साउंड विल बी मफल्ड, और एक पेरिकार्डियल नॉक होगा। जब आप ऑस्कल्टेट करोगे, सुनने की कोशिश करोगे स्टेथोस्कोप लगा के, तो आपको एक साउंड स्पेसिफिक सुनाई देगी जिसे पेरिकार्डियल नॉक कहते हैं। इसके बाद और क्या चीज़ है? डायग्नोसिस वही, अगेन हमारा एक स्पेसिफिक, इस डायग्नोसिस को एक दफा याद कर लोगे हर बीमारी में चलेगा, हार्ट की ECG. अच्छा, लैब टेस्ट, एक स्पेशलिस्ट के अंदर लैब टेस्ट है विच इज बीएनपी। बीएनपी क्या है? ब्रेन नैट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ये एक ऐसा बायोमार्कर है, ये ऐसा लैब टेस्ट है जिससे आप कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इसके अंदर बीएनपी भी लिख दीजिएगा, चेस्ट एक्सरे, एको, कार्डियक कैथेटराइजेशन, एमआरआई और सीटी वगैरह, वही सारी सारी चीजें। फिर अगेन कार्डियक हेल्दी डाइट, डायरेटिक्स यूज कर लो जो हार्ट फेलियर वगैरह में होते हैं, पेरिकार्डियक्टमी कैन हेल्प, आप उस इन्फ्लेम्ड पार्ट को काट के फेंक दो सर्जरी के थ्रू, एंड लो सोडियम डाइट। अब द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, 5-7 स्लाइड्स रह गई हैं बस, जिन लोगों को मसला हो रहा है कि स्लाइड्स बहुत ज्यादा हैं, कौन से डिजीजेस जो हैं वो ब्लड वेसल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं? अब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है ना, तो कार्डियक पार्ट तो हमने कर लिया, नाउ वेस्कुलर सिस्टम इज वेयर वी हैव टू फोकस आवर अटेंशन। अब वेसल्स के अंदर क्या क्या मसले हो सकते हैं? एक तो आपको पता है ऑलरेडी, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी के डिपोजिशन ऑफ लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल्स ऑफ वॉल्स ऑफ दोज आर्टरीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एक चीज होती है, एनोरिज्म अभी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि इट्स एन एब्नॉर्मल डायलेशन या स्वेलिंग, रेनॉल्ड्स फिनोमिनन या रेनॉल्ड्स डिजीज, बर्जर्स डिजीज, ब्लड क्लॉट हो जाए वेन में, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, लिम्फेडीमा आ जाता है जो कि लिम्फ वेसल्स का है, ब्लड क्लॉट वेन्स में जो हों तो वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कर सकती हैं, वेरिकोज वेन्स एक चीज़ है। इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें आपने अपनी एनाटॉमी में भी पढ़ी होंगी, स्पेशली वेरिकोज वेन्स तो आपने पढ़ा होगा। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस का और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज दोनों में एक ही चीज़ होती है, पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली जो वो कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर ज़्यादा मतलब होता है, जो वेसल्स हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, जो बाकी पेरिफेरल आर्टरीज हैं उनके अंदर भी फैट डिपॉजिट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो वॉल ऑफ आर्टरी के अंदर डिपॉजिट्स हो सकती हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लाक्स,
ये जो प्लाक्स होते हैं ये इवेंचुअली फिर बिल्डअप होते जाते हैं और वेसल नैरो होती जाती है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं करता. जब ब्लड फ्लो नहीं करता तो फिर पूरा ब्लड पहुंचता नहीं है. सो ये आपको एक आर्टरी दिखाई हुई है और इसके अंदर दिखाया हुआ है कि किस तरह से लिपिड डिपॉजिट होता जा रहा है और वेसल नैरो होती जा रही है. एनोरिज्म अगेन इज अ बल्ज इन द वॉल ऑफ एरोटा. बल्ज इस तरह का होता है कि स्वेलिंग की वजह से वो फूल रहा है वहाँ पर, ठीक है. एओर्टिक एनोरिज्म होता है और एनोरिज्म जिस जिस आर्टरी पे होगा उस आर्टरी के नाम पे होगा. एओर्टा में होगा तो एओर्टिक एनोरिज्म. एक बेरी एनोरिज्म होता है. बेरी एनोरिज्म आपकी ब्रेन की वेसल्स में होता है, ठीक है. इसके अलावा रेनॉल्ड्स फिनोमेनन. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. जब आप बहुत एक्साइटेड हो या ठंड बहुत लग रही हो तो आपकी उंगलियों की फिंगर्स और टोज जो हैं आपके वो हल्का हल्का क्रैम्प करते हैं, ट्विच करते हैं, तो ब्लड सप्लाई जो है उस एरिया की वो कम हो जाती है और आपकी स्किन जो है वाइटिश या ब्लूइश लगती है और नंब महसूस होती है, ठीक है. कुछ और डिजीजेस भी होती हैं, ल्यूपस, रिमेटाइड आर्थराइटिस और इस तरह के ऑटोइम्यून डिजीजेस जो रेनॉल्ड्स फिनोमेनन कर सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो इन कोल्ड वेदर और इन एक्साइटमेंट दैट पार्ट ऑफ द स्किन कैन become cyanosed and cold and can look white, which is known as Raynaud's phenomenon. Berger's disease is a very rare disease. इसमें क्या होता है कि आपकी जो medium sized और small arteries और veins वगैरह हैं arms और legs में वो swell up हो जाती हैं और clots वहाँ पर जमा हो सकते हैं और फिर जब clots जमा हो जाते हैं तो फिर क्योंकि ये small arteries हैं arms legs वगैरह में तो fingers, hands, toes, feet वगैरह की blood supply impact हो जाती है. और अगर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जब यहाँ पे ब्लड स्प्लाई इम्पैक्ट होगी तो नरिशमेंट नहीं होगी, नरिशमेंट नहीं होगी तो वो पार्ट पेनफुल होगा. और जब बहुत ज़्यादा हो, बहुत सिवियर हो जाए तो आपको एम्प्यूटेशन भी करनी पड़ सकती है बिकॉज वो पार्ट डेड हो जाता है और डेड पार्ट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इन्फेक्शन और फिर हमें उसको एम्प्यूटेट करना पड़ सकता है. जो बर्जर्स डिजीज वाले लोग होते हैं उनको भी रेनॉल्ड्स फिनोमेनन शुरू शुरू में हो सकता है, ठीक है. कॉज इसका पता नहीं है लेकिन टोबैको यूज़, सिगार और टोबैको च्यू जो करते हैं या सेकेंड हैंड स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा सुट्टेबाज लोगों के साथ जो लोग बैठे होते हैं वो भी ध्यान किया करें. बर्जर्स डिजीज जो है उसकी वजह से हो सकता है बट एग्जैक्ट जो है कॉज वो अभी तक हमें पता नहीं है. पेरिफेरल वेनस डिजीज या वेरिकोज वेन्स, उसके अंदर जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आर्टरीज के वेल्व नहीं होते, वेन्स के वेल्व होते हैं, ठीक है. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेल्व खुलते हैं और उनके अंदर से ब्लड जाता है, लेकिन वेरिकोज वेन्स में होता यह है कि वेल्व डैमेज हो जाते हैं और ब्लड वो पूरी तरह से बंद नहीं होते और ब्लड बजाय इसके कि वो एक डायरेक्शन में सही तरह से आगे जाए वो एक जगह पूल होना शुरू हो जाता है. जब वो पूल होना शुरू हो जाता है तो फिर वेन्स फूलना शुरू हो जाती हैं. जब वेन्स फूलना शुरू हो जाती हैं तो उसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं. सो दिस इज हाउ वेरिकोज वेन्स लुक लाइक. ये आप देख सकते हैं. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर और वो है ब्लड क्लॉट्स वेन्स में, ठीक है. वेन्स की जो ब्लड क्लॉटिंग है वो कैसे होती है? वो ऐसा होता है कि आपकी लोअर लेग में या थाई में या पेल्विस में इनएक्टिविटी की वजह से क्लॉट जो है वो बनना शुरू हो जाता है और जब वो क्लॉट बनना शुरू हो जाता है उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं. सो इसको कहते हैं डीप वेन्स. जो लेग की, लोअर लेग की, थाई की वेन्स होती हैं वो डीप वेन्स होती हैं. सो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है और अगर वो टूट के चल पड़े और लंग्स, जब वो टूट के चलना शुरू हो जाए उसको एम्बुलेंस कहते हैं और अगर वो लंग्स तक पहुंच जाए तो उसे पल्मोनरी एम्बुलेंसिज्म कहते हैं. सो अक्सर वो बेशतर इस ये चूंकि वेन्स में होता है तो इसे वेनस थ्रोम्बो एम्बुलेंसिज्म कहते हैं. सो डीवीटी, वीटीई, पीई ये सारे एक जैसे नाम है. डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बुलेंसिज्म या वेनस थ्रोम्बो एम्बुलेंसिज्म. पल्मोनरी एम्बुलेंसिज्म या वेनस थ्रोम्बो एम्बुलेंसिज्म इज सेम थिंग. थ्रोम्बो एम्बुलेंसिज्म आमतौर पर इकट्ठा इसमें यूज होता है क्योंकि जब थ्रोम्बस बनता है तो फिर वो एम्बुलस भी बनने के चांसेस होते हैं. एक दफा क्लॉट बन जाए तो वहाँ से कट के अलग हो सकता है. सो इसकी वजह से सडन डेथ वगैरह हो सकती है. अक्सर कोविड में जो डेथ्स हो रही हैं आज वो वीनस थ्रोम्बो एम्बुलिज्म की वजह से हो रही हैं कि क्लॉट चलता 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 लंग्स में पहुँचा और उसने एकदम से डेथ कर दी. तो वीनस थ्रोम्बो एम्बुलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए अक्सर आपने कोविड की ट्रीटमेंट अगर आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं देखी, उनको ब्लड थिनर्स वगैरह या एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स भी दे रहे हैं ताकि उनका ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो और जाके कहीं पे एम्बुलिज्म कॉज ना करें. डीवीटी के कॉजेज क्या होती हैं? जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाए किसी वजह से तो ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है
कुछ ट्यूमर्स वगैरह में ऐसा होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि ब्लड आपको भी बताया था कि जब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में था, तो वो हार्ट के अंदर ही क्लॉट्स बनना शुरू हो रहे थे, क्योंकि क्लॉटिंग के एस्पेक्ट का तो काम है, उसने देखा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है तो वो उसको क्लॉट करना शुरू कर देती है, उसे लगता है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हुआ है या कोई मसला है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो हुआ हुआ है। फिर वाल्व डैमेज हो तो तब भी ब्लड पूल होना शुरू हो जाता है, जब पूल होना शुरू होगा फ्लो नहीं करेगा सही तरह से तो फिर वो अगेन क्लॉट बनेगा वहाँ पे। डैमेज वेन्स हो किसी वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो क्लॉटिंग के लिए आपका ब्लड ज़्यादा मतलब उसमें चांस होते हैं कि आपका ब्लड क्लॉट हो, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके अलावा हॉर्मोन्स वगैरह, प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, दे ऑल्सो कैन कॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। OCPs यानी जिसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, वो भी DVT कर सकती है। लंबा बेड रेस्ट और आप मूव नहीं कर रहे, ठीक है, इसीलिए अब जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं, लॉन्ग फ्लाइट्स पे अक्सर लोगों को इस तरह के मसले होते होते थे, तो अब वो लॉन्ग फ्लाइट्स पे कहते हैं कि थोड़ा बहुत मूव करें या चलें फिरें, ठीक है। या इमोबिलाइजेशन, बहुत किसी वजह से कोई बीमारी हुई है, कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ किसी इंसान का और वो बेड पे बैठा हुआ है, तो फिर थ्रॉमस बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मूवमेंट, आपने देखा होगा कि सर्जरी, बड़ी से बड़ी सर्जरी के बाद भी जल्द अज जल्द मूवमेंट शुरू करवाते हैं, अगेन सर्जरी की वजह से बेड रेस्ट होता है तो फिर उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, सो जब डैमेज वेन वाल्व्स हो जाएं तो पुलिंग होगी, स्वेलिंग होगी, उसके अंदर फिर क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर वीनस इनसफिशेंसी, जैसे कि वीनस, अभी आपको वेरिकोज वेन्स बताई हैं, वेरिकोज वेन्स को अगर आप कुछ सही नहीं करते तो फिर इवेंचुअली आप DVT की वजह से आपकी स्किन तक जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड जो है वो आपका लीक होना शुरू होगा, इवेंचुअली जो जमा हो रहा है वहाँ पे पूल हो रहा है वो इवेंचुअली लीक होना शुरू होगा आपके टखनों तक और पाँव तक, और फिर इवेंचुअली आपकी स्किन जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू होगी और टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ इट।